हेलो गाइस, वेलकम टू डिजिटल न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मार्वल एवेंजर असेंबल गेम के बारे में। लास्ट ईयर ये मार्वल एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर इसका पहला टीजर लॉन्च करा गया था और देन सभी जानते हो कि ये गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और उस पर व्यूज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए थे। देन मैंने जब ये टीजर देखा तो मेरा तो मन कर रहा था कि मेरे को ये गेम खेलना है, पर पॉसिबली कंपनी के कुछ कोलैब के चक्कर में और देन इस गेम पे प्रॉपर तरीके से काम नहीं हुआ था तो इस गेम को लॉन्च करा नहीं गया। पर आज का दिन है, टुडे का दिन है, आज मॉर्निंग में अपडेट आया है कि उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग काउंटडाउन चालू कर दिया है मार्वल एवेंजर असेंबल पर और देन उसी के साथ आपको देखने को मिलेगा 48 घंटे बाद लाइव स्ट्रीमिंग। तो आप इसे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हो। देन उसी के साथ इंडिया में 11 तारीख को IST यानी कि इंडिया का जो टाइम है 6 से 8 के बीच में ये गेम लॉन्च होगा। तो मैं भी लाइव करूंगा, मैं आपको सारे अपडेट दूंगा। पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में, हमें इसमें क्या क्या नया देखने को मिलने वाला है और कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर ये गेम लॉन्च होने वाला है, और उसी के साथ ये नया जनरेशन का गेम है तो और भी हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो एवरीथिंग, काफ़ी सारे अपडेट हैं तो बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते थे इस वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका जो लास्ट ईयर का गेम टीजर लॉन्च हुआ था उससे अलग हटके हमें नया टीजर देखने को मिलेगा। सारी नई फुटेज देखने को मिलेंगी 6 से 8 बजे के बीच में 11 तारीख को इंडिया में। देन उसी के साथ ये कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो रहा है तो मैं बताता हूँ आपको, PlayStation 4, Xbox One, PC, Google Stadia और Nintendo। तो ये 4-5 प्लेटफॉर्म है जिस पे ये गेम लॉन्च हो रहा है। उसके साथ ये नया जनरेशन का गेम है तो इसलिए ये सारे कंसोल को सपोर्ट भी करता है। अब आपके मन में आया होगा कि PlayStation 4 तो हमने नाम सुना है, Xbox One नाम सुना है, PC नाम सुना है, Nintendo सुना है, पर Google Stadia क्या है? तो Google Stadia को मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ। अगर आपने Amazon Prime, Alt बालाजी या Netflix TV सीरीज तो यूज़ करी होंगी तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है स्ट्रीमिंग का जिससे कि आप महीने का सब्सक्रिप्शन देते हो और कोई भी मूवी कभी भी एनी टाइम देख सकते हो, और जब आप उसको छोड़ते हो तो उसके बाद भी वो कंटिन्यूस आप देख सकते हो। तो ये है स्ट्रीमिंग सर्विस का फ़ायदा। अब Google Stadia ने ऐसी सर्विस स्टार्ट करी है कि आप मंथली पे करोगे और देन उसको गेम को कभी भी खेल सकते हो। बस इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके पास 25 MBPS का नेट होना चाहिए 100 MBPS तक के बीच में, तब आप जाके Google Stadia की सर्विस यूज़ कर सकोगे। और Google Stadia की सबसे बड़ी खास बात ये है, अगर आपके PC में 1 GB RAM भी है या फिर आप अपने फ़ोन में भी खेल रहे हो तो आपको RAM, प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप पे 25 MBPS का और 100 MBPS तक का नेट होना चाहिए और आप Google Stadia पे कोई भी गेम खेल सकते हो स्ट्रीमिंग करके। तो ये सर्विस अभी इंडिया में तो स्टार्ट हुई नहीं है, पर Avenger Assemble Google Stadia पे आ रहा है, PlayStation पे आ रहा है, 4 पर आ रहा है, और आगे जाके फ्यूचर ये नया जनरेशन का गेम है तो PlayStation 5 में भी लॉन्च होगा जैसा कि पहले अपडेट आया था। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। देन उसी के साथ बात करते हैं इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में। तो आपको 11 तारीख को तो इवेंट में काफ़ी सारे अपडेट तो पता चलेंगे, नई फुटेज देखने को पता चलेगी, पर Amazon की तरफ से ये पता चला है, UK वाले Amazon की तरफ से Avenger Assemble की जो रिलीजिंग डेट है वो है 15 मई 2020 को। तो ये गेम 2020 को लॉन्च होगा, पर अब देखना ये है कि हमें क्या क्या नया अपडेट पता चलता है। देन उसी के साथ ये गेम काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने वाला है तो मैं तो ये कहूँगा कि इस गेम को खेलना ज़रूर एक बार, क्योंकि गेम के ग्राफिक बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं क्योंकि ये नया जनरेशन का गेम है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो, पेज को लाइक करें। रियली आपको जो वीडियो पसंद आया तो भी लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो या तो उस पर हल्का हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय, जा रहा हूँ।